ने निमिषा मेहता भारतीय जनता पार्टी के गढ़शंकर तो उम्मीदवार ने। चोणों का माहौल पूरी तरह सरगर्म है। 2022 दियां विधानसभा चोणां जिवें जिवें नेड़े आ रहियां ने उसे तरह चोणां का प्रचार भी लगातार सरगर्म हो रहा है। लोग अपने हल्के च वध तों वध विचर रहे ने, अपने प्रचार च तेजी लिया रहे ने। कुछ इसे तरह का माहौल गढ़शंकर च भी देखने को मिल रहा है, जिथे भाजपा वालों निमिषा मेहता नूं चोण मैदान च उतारिया गया है। इसलिए सवेर तड़कसार तो ही निमिषा मेहता प्रचार लई निकल आउंदे ने अते देर रात तक लोगों विच विचरदे रहिंदे ने। लोगों वालों उन्होंने भरवां हुंकारा भी दिता गया। निमिषा मेहता पहला कांग्रेस पार्टी नाल जुड़े हुए सन। 2017 दियां विधानसभा चोणां दौरान भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिती अते निमिषा मेहता ने बीजेपी का पल्ला फड़ लिया। निमिषा मेहता की बीजेपी च एंट्री टिकट के नाल ही हुंदी है। भाजपा ने निमिषा मेहता नूं गढ़शंकर तो अपना उम्मीदवार ऐलानिया है। निमिषा मेहता वालों किन्ना मुद्दियां ते चोण लड़ी जा रही है, आओ जानते हैं। मेरे हल्के दे विच सड़कां दा बहुत बुरा हाल है। 75 साल हो गए आज़ादी नूं और पीण दा पानी जिहड़ा है हले तक 24 घंटे मेरे लोगों नूं मिलिया नहीं। कई इहो जिहे पिंड आ जिथे 4 दिन बाद पानी 1 घंटे लई आउंदा है और कई इहो जिहे पिंड आ जिथे अज वी लेडीज़ बाल्टियां ते घड़े ढो रही हैं। और मेरे इलाके दे विच फसल दे पानी दी वी बड़ी भारी कमी है। नाल मैं ये कहना चाहनी हूँ कि बेरोज़गारी बहुत है, गरीबी बहुत है और ये समाधान ले अज तक कभी किसी ने सोचा नहीं। इतने सिक्ख्या ते सेहत सुविधावां दी भी बड़ी भारी कमी हैगी। इस बार दा थोड़ा मुद्दा की रहेगा? मेरा मुद्दा यही है कि इलाके दे विच सब तो पहला मेरा प्रण जिहड़ा है 24 घंटे पीण दा पानी। और नाल मैं कहना चाहनी हूँ कि इलाके दे विच फसल दे पानी दे प्रबंध करना, इलाके दे विच जिहड़ा इंडस्ट्रियल पैकेज लैके आना, इंडस्ट्री लैके आना, औरतों ले भी रोज़गार लैके आना और बेरोज़गारी गरीबी के खात्मे लिए कदम चुकना, नाल इतने बेहतरीन हस्पताल बनवाना ते स्किल डिवेलपमेंट का कोई कॉलेज या सेंटर बनवाना और इसे तरीके दे नाल जिहड़ा आर्म्ड फोर्सेस दे विच भर्ती लई एक स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलाना ताकि मेरे नौजवानों नूं जिहड़ा भर्ती दे विच एक जिहड़ा फायदा मिल सके। नाल अपने इलाके नूं टूरिज़म हब बनाना जिथे असीं श्री खुरालगढ़ साहब नूं और मोरां वाली शहीद आजम भगत सिंह जी दे नानके और नाल जिहड़ा इत्थे गोकुल धाम बना के जिहड़ा इस अपने इलाके नूं डिवेलप करांगे, वधिया यादगारां तैयार करांगे खुरालगढ़ साहब और मोरां वाली दे विच और नाल गोकुल धाम बनावांगे, अपने इलाके दे विच एक पर्यटन का केंद्र बना के इनू प्रमोट करांगे। कांग्रेस पार्टी वालों बेशक 2017 च इन्हां नूं टिकट नहीं दित्ती गई पर फिर भी अपने हलका वासियां दी सार लैंदे रहे। कोरोना काल च राशन वंडिया, सरकार दियां ग्रांटां पिंडां च लै के आए जिस नाल लोगों नूं इह वड्डियां समस्यावां तों राहत दिवांदे रहे। देखो जी, 5 साल बेशक मैनूं कांग्रेस पार्टी दे 17 दे विच टिकट डिनाए कर दित्ती सी पर मैं अपने लोगों की सेवा तो पिछे नहीं हटी और 5 साल मैं अपने लोगों की सेवा की है, लोगों च गई हैं, उन्हां दे काम करन दी कोशिश की। चाहे हज़ारां लोगों के आटे दाल के कार्ड मैं बनाए, चाहे कोरोना काल दे विच पिंड पिंड जाके मैं राशन वंडिया, अपने कोलों पैसे खर्च के वंडिया, उस तो बाद सरकारी राशन भी वंडिया। उस दे नाल मैं कहना चाहनी हाँ कि पिंड पिंड मैं जिहड़ियां जल सप्लाई दियां नवीं मोटर कुछ अपने कोलों खरीद के दित्तियां, कुछ सरकारी मुहैया कराइया पैसे दे नाल, नवीं वाटर सप्लाई दियां स्कीमां मंजूर कराइयां और पुराने जिहड़े 30-30 साल तो चोह साफ नहीं होए से चोह साफ कराए, इलाके दे विच जिहड़े फसल दे ट्यूबवैल मंजूर कराए। अज मैनूं कहा तो यह गया सी टेंडर जिहड़े मंजूर हो गए रोपड़ दे विच लग रहे, शायद मेरे इलाके दे विच भी हुण चालू हो जाए काम। सो ये मेरे जिहड़े मनसूबे हैगे आ अपने मैं कम करके दिते अपने इलाके दे विच और मैं समझदी हाँ कि 5 साल बिना किसी ताकत बिना किसी अहुदे तो मैं जिहड़े काम किए है इस नूं देखदे हुए मेरी जनता मेरी इस भावना नूं समझदी है कि मैं उन्हां दी सेवा करना चाहनी है ते वो मेरी सेवा भावना नूं आशीर्वाद दिंदे हुए मैनूं पंजाब दी विधानसभा जरूर भेजणगे। देखो जी, कोई विजनरी काम नहीं रहे, रूटीन दियां जड़ियां गलियां नालियां और परचे दी राजनीति दे विच उलझा के 10 साल श्रोमणी अकाली दल दी और सरकार रही है, उन्होंने 10 साल लोगों नूं उलझा के रख्या। परचा गली नाली और कोई वड्डी अगाह वधू सोच जड़ी इलाके लई नहीं रखी और मैं समझदी हाँ ये रूटीन दे काम हुंदे ते विधायक ने इक ने करने ही हुंदे है। अज जरूरत लोगों नूं इस चीज़ दी है कि उन्होंने विच जाके किहड़ा पुछदा है। हर बंदा जिहड़ा है हर एक इंसान की वोट एक ही है, हर बंदा जिहड़ा वो चाहता है कि मैनू पुछया जाए और निमिषा मेहता ने हर एक नूं पुछण की कोशिश की है और अगर मेरे लोग मैनू मौका देंदे मैं तो हर एक कोल जाना है। बिना सिफारिश दे मैं अगे भी लोगों नूं जिहड़ा खिड़े मत्थे स्वीकार किया है और अज भी मेरा काम करन दा तरीका यही रहेगा।
ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਨਾ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਕਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।